I want to point out another strange paradox. At the UN, when Prime Minister Imran Khan speaks about Kashmir, he accuses India of what he calls wanting a final solution. Yet he hasn't got a word to say about what's happening to the Uyghurs in China. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? If I had enough knowledge, I would speak about it. I actually, it is not so much in the papers. Frankly, I don't know much about that. China and Pakistan are friends like none other. We have a completely transparent relationship. Virtually everything under the sky we discuss. Uyghurs so is a non issue. You a blind eye Vigas. Vigas. That's what you're saying. Vigas. Let me just answer, Karan. Go ahead. We've, Even our delegations have visited, we've seen, and we are 100% satisfied that it's a non issue. इसके ऊपर कुछ तशीश का भी किया तो बहुत अच्छा और वो तो किसी को बोलने नहीं देता इस चीज के ऊपर कश्मीरी आपको नज़र आते हैं लेकिन वहाँ जो वीगर मुस्लिम्स हैं वो नज़र नहीं आते तो वो वही वक्त तोते वाली ज़ुबान कि अगर मुझे पता होगा तो मैं बात कर लूँगा अगर बात करूँगा तो प्राइवेटली बात करूंगा और वैसे तो मुझे पता ही नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी अपने को विश्व के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं जब उनसे चीन में रह रहे उइगर मुस्लिम पर हो रहे चीन के द्वारा अत्याचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर की दरअसल अनभिकता जाहिर करना उनकी मजबूरी थी क्योंकि चीन से पाकिस्तान को कर्जा जो लेना है शायद भारत भी अगर पाकिस्तान को कर्जा देना शुरू कर दे तो जो अनावश्यक आरोप जम्मू कश्मीर के मुसलमान संप्रदाय के लोगों के बारे में पाकिस्तान द्वारा लगाया जाता है शायद वह बंद हो जाए चीन के इसी दोहरे रवैये को दर्शाती इस चर्चा को आइए सुनते हैं कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ की तो बात करते हैं लेकिन जो चाइना में विगर मुस्लिम्स हैं मुसलमान हैं उनकी तो आप बात ही नहीं करते तो ये एक खुला तादाद है। दी है आप लोगों की पॉलिसी में कि जहाँ कश्मीरी आपको नज़र आते हैं लेकिन वहाँ जो विगर मुस्लिम्स हैं वो नज़र नहीं आते और बाज़त हमारा जवाब सरकारी सतह पर ये भी हो जाता है कि ये नॉन इशू है जी इस पर हम बात नहीं कर सकते मेरा ख़्याल में कि ये जो हमारा रवैया है ये भी ठीक नहीं है कि हम इसको ये कह दें कि ये नॉन इशू है नॉन इशू तो यकीन नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल एनवस्टी की भी रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की भी रिपोर्ट्स हैं और बहुत सी जो एडवोकेसी आर्गनाइजेशन होती हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं इन मामलों में नाजरीन ये जो सिंग शांग विगर ऑटोनस रीजन है यहाँ जो मुसलमान बसते हैं वो टर्क ऑरिजन के लोग हैं और ये तकरीबन दसवीं सदी ईस्वी में ये लोग मुसलमान हुए थे अभी जो एटोनमस रीजन चाइना के अंदर है ये इसमें तकरीबन चौबीस मिलियन की आबादी का ये अटोनमस रीजन है जब ये उन्नीस सौ तिरपन 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 में आप कह दें अर्ली फिफ्टीज़ में यहाँ मुसलमानों की तादाद तकरीबन कोई सत्तर फीसद के लगभग थी लेकिन अब ये कम हो के पैंतालीस फ़ीसद हो गया है तकरीबन 10 से 11 मिलियन यहाँ विगर मुसलमान रहते हैं और फिर चाइनीज़ की तादाद बहुत बढ़ गई ये किस ज़माने में 6 फीसद हुआ करते थे अब इनकी तादाद उस इलाके में तकरीबन 40 फ़ीसद के करीब हो गई है चाइना हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनर है हम तमाम इश्यूज उनके साथ डिस्कस करते हैं लेकिन ये कहना कि नॉन इशू है मैं समझता हूँ कि ये हमारी ऑफिशियल लाइन नहीं होनी चाहिए खान साहब को सब पता मगर अच्छा वो कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो चाइना बहुत सेंसिटिव है ऐसे इश्यू के ऊपर और इसके ऊपर तो बेहतर यही है कि आंखें बंद कर लें कान बंद कर लें और जिप कर लें। अगर, अगर आपने कुछ इसके ऊपर कुछ तश्वीश का इजहार भी किया तो चाइना बहुत अपसेट हो जाएगा

सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम भी इसी तरह पाकिस्तान के लीडर की नलाइकी की वजह से सफर कर रहे हैं पहले भी लीडर ऐसे रहे स्टेब्लिशमेंट भी ऐसी है और ये सिलसिला ना खत्म होने वाला है चाइना ऐसा क्यों कर रहा है रिपोर्ट आ रही है कि 10 लाख से ज्यादा चीनी मुसलमानों को कैंपों में रखा हुआ है और उनको दोबारा कम्युनिस्ट बना रहे हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर इबादत पे पाबंदी है मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी है इस्लाम को कैंसर की तरह ट्रीट किया जा रहा है अब ये वो मसाइल हैं कि पाकिस्तान इनसे जुदा नहीं रह सकता यही सब कुछ रोहिंग्या में हो रहा है। अगर चीन ने भी ये करना शुरू कर दिया तो फिर हमारा दोस्त कौन है खिसे

जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात है हम उसके बारे में संजीदा हैं और हम हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं चाइना के साथ ठीक है मैं ये बात मानता हूँ कि हम चाइना को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए आ, लेकिन उस बिल्कुल इशू को रद्द कर देना चाहिए कि नॉन इशू है तो ये भी ग़लत तरीक़ा है इस तरह आ, नहीं मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को पोजीशन लेनी चाहिए चाइना विगर मुस्लिम्स का जिनका जिनकी तादाद मैंने बताई है तकरीबन दस से ग्यारह मिलियन के करीब है इस वक्त वो अपने उसको तरीक़े से हल कर रहा है मुमकिन है कि उसमें कुछ वाइलेशन होती हों इंसानी हकूक़ के मामल भी उसमें होते हों जो कि हम पढ़ते भी रहते हैं लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें दखल अंदाजी शुरू कर दें लेकिन बहसीत दोस्त हम पहले भी वीगर मुस्लिम्स क्योंकि बहुत से वीगर मुस्लिम्स जो हैं ख़ीन या जो पाकिस्तानी भी उसमें कुछ थोड़े बहुत शादियाँ भी हुई हुई हैं और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जो मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहता बीबीसी द्वारा हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब डेढ़ मिलियन मुस्लिम समुदाय के लोग जो चीन के जिंजियांग प्रांत में रहते हैं उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी नसबंदी कराई जा रही है उनको दाढ़ी रखने तथा नमाज पढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें अलग एक डिटेंशन कैंप में भी रखा गया है और क्रमशः उनको चीन के अन्य भागों में ले जाकर बसाया जा रहा है यह मुस्लिम तुर्की से आए हुए उइगर संप्रदाय के मुस्लिम हैं हालांकि ये उइगर मुस्लिम लंबे समय से चीन में रह रहे हैं पर उनको इथनिक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का दर्जा ही प्राप्त है आप लोगों को ज्ञाति होगा कि चीन में इथनिक माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को, को वहां के नागरिकों जैसा समान अधिकार नहीं है उन्हें चीन में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है आज स्थिति यह हो गई है कि एक समय जिंजिया प्रांत में उइगर मुस्लिमों की जनसंख्या पचास परसेंट थी लेकिन अब यह घटकर मात्र पंद्रह परसेंट ही रह गई है, नेशन के के गया है और वे अपने अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं पर पड़ोस में स्थित पाकिस्तान को इसके बारे में कोई खबर नहीं इमरान खान कहने को तो अपने को मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का सबसे बड़ा संरक्षक समझते हैं जम्मू कश्मीर से आने वाली छोटी सी भी आवाज़ इमरान खान को सुनाई दे जाती है पर चीन से आने वाली रोने की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती है पाकिस्तान के इसी दोहरे मापदंड के कारण विश्व मंच पर उसकी कोई नहीं सुनता आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय